गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप एकदम अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है और दशहरा वगैरह जा चुका है और आने वाला है करवा चौथ, तो हम उस पर लुक करेंगे एक। तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखेगा। देखिए, मैं मैरिड तो नहीं हूँ बट लुक तो मैं, मतलब जो मेकअप लुक है वो तो मैं क्रिएट कर सकती हूँ ना। और मेरे पास जो है मैं उससे करूँगी, मैं बाहर तो कुछ नहीं लेके आई हूँ। मेरे पास जो चीज़ है मैं उस चीज़ से करूँगी। आप लोग भी, अगर आप लोग के पास कुछ नहीं है तो मत घबराइएगा कि नहीं कर पाएंगे। तो मेरा वीडियो देख के अगर आपको मोटिवेशन मिले तो आपके पास जो चीज़ है आप उससे क्रिएट कर सकते हैं लुक। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे। बाकी आपको सुंदर लगना है तो जो चीज़ आपके पास है आप उससे क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक बेशक बाद में करना बट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप एंड तक जाते जाते सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो पहले कर दो लाइक। आप देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो आप करना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आ गई हूँ मैं ड्रेस पहन के, जो जिस पर मेरे को लुक करनी है। तो वो ड्रेस मैंने पहन लिए है। अब मैं कर लूँगी बाल पीछे करने के लिए हेयरबैंड लगा लूँगी और उसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल। टोनर था या टोनर नहीं था, मेरे पास गुलाब जल था, वो भी इस तरह मिल नहीं रहा है। और बाहर जाने का मेरे को बिल्कुल भी सच में टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ जाके खरीद पाऊँ अपने लिए। तो मेरे पास जो घर में, मैं उसी से ही सारा लुक क्रिएट करूँगी, ठीक है। तो आप लोग ये मत करें कि हाँ ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है करके। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब भी हमारा नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो पूरा टाइम उसमें जा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने एलोवेरा जेल लगाया, फिर मॉइस्चराइजर लगाया, अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर और अच्छे से इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। और मेरा गला ख़राब है, उसको इग्नोर करना क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो बहुत से लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, उसमें से मैं भी एक हूँ। चलो प्राइमर भी मैंने अप्लाई कर लिया, अब मैं कर लूँगी आईब्रो को सेट क्योंकि अब मैं उसके बाद करूँगी कंसीलर। हम कोई भी चीज़, मैं वीडियो बनाने से पहले मैंने इतनी तैयारी कर दी, सारा चीज़ मैंने सामने रखा था ताकि मुझे कैमरा ऑन रहे तो जल्दी उठा लूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खो ही जाता है। तो अब भी मैं आईब्रो को सेट कर लूँगी, सॉरी कंसील कर लूँगी और सेट ही होगा एक तरीके से। और मैं, मेरा कैमरा बैक साइड से चल रहा था तो शीशे की जरूरत मुझे पड़ी। और तो अभी मैं शीशे में देख के, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है मैंने सारा शीशे में देख के रिकॉर्ड किया है और ये रात का टाइम है। रात को यकीन नहीं मानोगे, रात को बज रहे हैं एक और ये लुक करते करते मुझे बज गया था दो। और यहाँ पर मैंने ब्लेंड भी कर लिया। और देखो अभी हमारा शुरुआत का टाइम है तो हमें तो वही स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ है भी। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास है भी। तो कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यार टाइम। तो मेरे को दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तो मैं रात में करती हूँ। और रात में करने का ये फ़ायदा होता है ना, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इसके दिन में होता है कि कोई ना कोई बुला लेता है, मम्मी बुला लिया, मम्मी ने बुला लिया, ये काम कर दो, वो काम कर दो, फिर हम आधा मेकअप लगा के कुछ काम तो करने जा नहीं सकते और उनको मना भी नहीं कर सकते। और रात में है सब कुछ करके वो लोग सो जाते हैं, फिर मैं अपना काम करती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर भी लगा लिया अपनी डार्क सर्कल को छुपाने के लिए। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन को अच्छे से पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर लूँगी। और सीज़ा पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और सीज़ा थोड़ा सा डर्टी था, वो मुझे भी दिख रहा है, बट कोई बात नहीं यार, इग्नोर कर दो ना थोड़ा सा। और वीडियो को एंड तक पूरा देखना, लुक बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैंने तो देख लिया है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने तो देख लिया, बहुत मस्त हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने बाहर जाके कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने जैसे देखा है अपनी सिस्टर को और आप जैसे कि बहुत से वीडियो क्रिएटर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनको देख के ही मैंने क्रिएट किया है। बस इनकी सीखने की इच्छा थी तो मैं सीख रही हूँ। मुझे कुछ आता है, कुछ नहीं भी आता है, मैं एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो कुछ आता है
बहुत कुछ नहीं भी आता है तो करने की जो नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं दोबारा से कंसीलर लगा रही हूँ फाउंडेशन के ऊपर, डार्क सर्कल अभी भी दिख रहे थे तो मैं दोबारा से लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर, सब बारी है कॉन्टोर करने की। कॉन्टोर करने के लिए मैंने कुछ अलग सी चीज़ नहीं ली है, मेरे पास लिपस्टिक थी उसी कलर की, तो मैं उसी से ही अपना कॉन्टोर करूँगी। और कॉन्टोर करने का मतलब ये होता है कि हम अपने फेस को शेप दे सकते हैं। अगर हमें पतला दिखाना है तो हम पतला कर सकते हैं, अगर हमें मोटा दिखाना है तो मोटा दिखा सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ अपने फेस को पतला, ठीक है। तो मैंने कॉन्टोर कर लिया, मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। तो अब बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने की। तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ब्रश से लगा रही हूँ और ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं इसको लगा के ऐसे छोड़ दूंगी, हटाऊंगी नहीं। इसके बाद मैं करूंगी आई मेकअप, क्योंकि आई मेकअप पे जो उसका प्रोडक्ट गिरता है आई मेकअप का, तो उस पाउडर पे गिरे फिर जब पाउडर हटाए तो वो भी हट जाए, ठीक है, जिससे कि हमारा ये ख़राब ना हो। तो मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया। अब इसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आई पे लगाया है कंसीलर, उसको ब्लेंड कर लिया है। फिर मैं अब ले रही हूँ आई शेडो कलर, और मैं अब उठाऊँ, मैंने उठाया सबसे पहले डार्क कलर उठाया, क्योंकि जो मेकअप मैं कर रही हूँ ये नाइट में कर रही हूँ, तो मैंने डार्क कलर ही उठाया है। और मैं डार्क मेकअप ही कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा हाई, मतलब जो दिखे रात में वैसा वाला मेकअप करूँ। तो मैंने डार्क कलर, वैसे तो होता है कि पहले हल्का फिर उससे डार्क फिर उससे डार्क, बट मैंने डार्क ही उठा लिया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ा सा चमकीला साइड में, और फिर मैं लगाऊंगी रेड कलर का जो मेरी ड्रेस से मैच करेगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। गाइस अब टाइम है लाइनर लगाने का, तो लाइनर लगा लेती हूँ मैं। लाइनर तो मैं पहले से भी अच्छा लगाती थी, जब मुझे मेकअप करने का क्रेज़ नहीं था तो भी मैं लाइनर बहुत अच्छे से लगाती थी और औरों के भी लगा देती थी। अब मैं लगा लूँगी अपनी आईज़ के लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा आई शेडो अच्छे से, ताकि लुक मस्त और मस्त आए। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लगाते टाइम मेरा कैमरा थोड़ा साइड में हो गया था और मैं आधी सी कट गई, और फिर मुझे बाद में पता चला तो मैंने मस्कारा लगा लिया था। फिर मैंने बोला चलो आप लोग एडजस्ट कर लोगे, टाइम भी आप लोग यकीन नहीं मानोगे बहुत ज़्यादा हो रहा था, 1:30 बज रहे थे। तो मैं सोचती थी जल्दी जल्दी वीडियो कम्प्लीट हो, तो मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया और ब्रो बोन्स को भी हाईलाइट कर लिया। अभी मैं दोबारा से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, ताकि जो हमारा फाउंडेशन है वो सेट हो जाए दोबारा से। वो मैंने लगाया था वो छूट गया था दोबारा से, और कुछ चीज़ थी वो उसमें गिर गई थी, मतलब आइस का जो था वो डस्ट वो गिर गया था। तो अब इसको हटाने के लिए मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर दोबारा से लगा के फिर मैंने तुरंत ही हटा दिया था। और अभी मैं गले पर अप्लाई कर लूँगी, तो चलो फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लश। अब ब्लश तो यार हर लड़की का फेवरेट होता है, मैं भी, मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हम कुछ भी ना करें बस ब्लश लगा लें तो उसमें चार चांद लग जाते हैं।
क्यों मानते हो ना आप लोग, गर्ल्स तो मानती होंगी। तो अब बारी आती है हाइलाइटर की। अब ब्लश के बाद मैं हाइलाइटर लगा लूँगी ताकि मेरे जो गाल हैं एकदम चमचमा जाए बिल्कुल चांद की तरह। और ये जो लुक है करवा चौथ लुक है तो चमचमाना बनता ही है इस लुक पे। तो चलो जल्दी से हाइलाइटर लगा लेंगे। और क्यों गर्ल्स और एग्री करती हो ना गर्ल्स लोग, तो चलो जल्दी से लगा लेंगे हाइलाइटर। मैंने चिक्स पे भी नोज पे भी सब जगह मैंने लगा लिया जहाँ मुझे अच्छा लगा लगाना। अब टाइम आता है लिपस्टिक लगाने की। तो लिपस्टिक जो है मैंने रेड कलर की चूज़ की है क्योंकि ड्रेस रेड है और करवा चौथ लुक है, तो मैंने रेड कलर का ही चूज़ किया लिपस्टिक। हमारी लिपस्टिक भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब दिखाएंगे आपको फाइनल लुक। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है आप लोग को? एकदम लग रहा है ना करवा चौथ लुक। अगर अच्छा लगे तो अब आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। चैनल को तो आपने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया है यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब कर देना। और बाकी सब कुछ मैंने ऑफ कैमरा किया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग से 2 बज ही गए थे, और उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करना था, सोना भी था। तो आप लोग को मेरा ये लुक कैसा लगा बताना ज़रूर कि, ठीक है। और मैं मैरिड में ही हूँ तो ये जो कपड़े हैं जो सूट है ये मेरी सिस्टर का है, वो अभी अपने ससुराल में है तो उसने छोड़ रखा था, तो मैंने उससे लुक कर लिया। और ये चूड़ा जो है वो भी उसका ही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरा। मैंने बताया था ना आपको लोगों को मैंने जुगाड़ लगा के ये लुक क्रिएट किया है, ठीक है। क्योंकि मैं बिकॉज अभी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम है। हमने क्या है नया बिजनेस स्टार्ट, तो पूरा टाइम उसको देना पड़ता।